जन भागीदारी समिति में उपाध्यक्ष कलेक्टर साहब मौजूद हैं, कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि जुनिंदौर SDM प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपाध्यक्ष हैं जन भागीदारी समिति। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ये पूछना चाहता है कि क्या जिला प्रशासन भी इस शिक्षा के भगवाकरण के प्रयास को समर्थन कर रहा है। दूसरी बात, उस सरकारी कॉलेज में जो आयोजन हो रहा है उसके लिए नगर निगम द्वारा लगभग 1,16,00,000 रुपए का टेंडर निकाला गया है। ये जो टेंडर निकाला गया है इसके लिए पत्र लिखा है जन भागीदारी समिति ने कि इस कॉलेज परिसर में ये काम कराया जाए। नगर निगम ने टेंडर निकाला है जिसका भुगतान जन भागीदारी समिति करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं कि जन भागीदारी समिति के पास क्या इतना पैसा है, और अगर इतना पैसा है तो वो कॉलेज के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय परिषद के लिए, और वो पैसा छात्रों का पैसा है तो भला छात्रों के पैसे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कैसे हो रहा है। और अगर जन भागीदारी समिति ये बोलती है कि वो इस आयोजन को करवा सकती है तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र है जिसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि समिति की निधि का उपयोग सोशल गैदरिंग, निर्वाचन, स्वागत एवं गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है।